हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई। सो सबसे पहले हम लेंगे उसके लिए 2 टेबलस्पून दही, और जो भी बोनलेस चिकन थी हमने पहले ही वॉश करके उसको क्लीन करके रख लिया था, एक्स्ट्रा वाटर जो भी था उसका निकाल चुके थे। सो यहाँ हम लेंगे 2 टेबलस्पून दही, फिर उसके बाद लेंगे हम हल्दी पाउडर। आज का जो भी हम चिकन फ्राई बना रहे हैं वो बाहर का कोई मसाला नहीं होगा, सिर्फ जो भी घर में मसाले हैं उसी का ही बनाएंगे जो झटपट बन जाए, और ये क्रिस्पी नहीं होगा, ये नॉर्मल जो बनाते हैं वही है। अगर आपको क्रिस्पी बनाना है तो उसमें मैं लास्ट में बताऊंगी और क्या क्या ऐड करना है आपको। सो अब हम लिए है काली मिरी पाउडर 1/2 टीस्पून, और यह है ज़ीरा पाउडर, और ये है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ही डाला है क्योंकि जो हरा मसाला है उसमें ऑलरेडी ग्रीन चिली है। और फिर उसके बाद हम डाले हैं धनिया पाउडर, और ये है हरा मसाला। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, बट मेरे पास ऑलरेडी था ये हरा मसाला बना हुआ, तो मैंने यही 2 टीस्पून डाल दिया है। और फिर लास्ट में डाला है लेमन जूस 1/2 लेमन जूस, आधा नींबू आप स्मैश करके डाल देना, और अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हो गया है बैटर रेडी। सो अब हम डालेंगे चिकन। चिकन क्लीन वगैरह करके रख लिया था, देखिएगा इसके अंदर मतलब पानी नहीं हो, जो भी एक्स्ट्रा वाटर हो वो अच्छे से निकाल देना। और ये चिकन 1/2 किलो है ये, तो वही हिसाब से मसाला है। अगर आपके पास 1/2 केजी चिकन है तो जितने भी मसाले मैंने बताई हूँ उसको आप डबल कर देना। सो ये अच्छे से करेंगे मिक्स, और इसको 1/2 आवर या 1 आवर, या अगर नहीं भी टाइम है तो भी 5-10 मिनट भी रखें तो भी चलेगा, बट अगर ज़्यादा टाइम रखें तो ज़्यादा बेटर है, चिकन सॉफ्ट बनती है उससे जितना टाइम मैरिनेट करेंगे। और यहाँ हम ये है ऑयल गर्म हो गया है। जितना भी चिकन फ्राई है आपको स्लो पे नहीं फ्राई करना है, जो भी गैस की फ्लेम है वो आपको हाई ही रखना है, लो मीडियम स्लो कुछ नहीं, फास्ट पे ही रखना। और अब हम डालेंगे फटाफट चिकन, ऑयल अच्छे से फ्राई हो चुका है सो तभी ही डालना चिकन, वरना वो अपना वो पानी छोड़ देगा तो वो फिर नरम नरम बनेगा तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। ये बिना कोई आटे या बिना कोई फ्लावर के भी बहुत अच्छा बनता है, और अगर आपको इसको और ज़्यादा क्रिस्पी अगर करना हो तो आप 1/2 टीस्पून बेसन, 1/2 टीस्पून राइस फ्लावर, चावल का आटा, ये सब कॉर्नफ्लावर 1/2 टीस्पून ये डाल के मिक्स कर दे तो भी बहुत अच्छा क्रिस्पी बनेगा। और यहाँ पे हम स्पून से नहीं पहले तो उल्टी पुल्टी करेंगे, सिर्फ इसी तरह जो पैन रहेगा उसको हिलाइए ताकि जो मसाले की जो कोटिंग है वो हटे ही नहीं। स्पून से अगर पलटाएंगे तो जो मसाले की कोटिंग है वो थोड़ी बहुत हट जाएगी। सो इसीलिए इसी तरह से फ्राई पैन हल्के हल्के हाथ से हिला के ही करना है। लास्ट में जब वो पक जाएगा, मसाला जब पक जाएगा एक तरफ से, तो फिर हम उसको पलटा सकते हैं। और ये हो गया है थोड़ा लाइट ब्राउन, बट थोड़ा और मुझे इसको ब्राउन करना था, ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अच्छे से हम करेंगे फ्राई मसाले के अंदर ही, और इसका जो मसाला होता है ना एंड में, जो मसाले जो रहते हैं ज़्यादातर लोग उसकी फेंक देते, बट वो मतलब अगर खाएंगे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, रोटी के साथ आप खा सकते हो, या अगर दाल चावल बना है या सालन बना है तो जो आप मसाला देख रहे हो जो ऑयल के नीचे बैठा हुआ है वो मसाला बहुत टेस्टी रहता है, प्लीज़ खाना, बहुत अच्छा लगता है वो। और यहाँ हो गया है चिकन फ्राई रेडी। सो आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताएं कि कैसा बना है कमेंट सेक्शन में, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू।